ये है राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक संघ से जुड़ी महिला शिक्षिका और अन्य शिक्षक। गुरुवार को जोधपुर दौरे पर गए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विरोध करने के लिए ये पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस के बाहर ही रोक लिया। इसके बाद मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने महिला शिक्षिकाओं को लेकर कोई अभद्र बात नहीं की थी और आज एक बार फिर से वे शिक्षकों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए। बारा पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उनके बयान का विरोध करने वाले शिक्षकों को बेवकूफ और मूर्ख बता दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वे शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। देखो, वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं पूरे कपड़े जिस जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको गलत मानते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मामले की शुरुआत तब हुई जब बुधवार को नीम का थाना राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के लोकार्पण के लिए शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। यहां दिए संबोधन में उन्होंने कहा था कि कुछ बहनों यानी शिक्षिकाओं को देखता हूं कि वे अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं, पूरा शरीर दिखाकर स्कूल में जाती हैं, इससे हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षक शिक्षिकाओं को सोचना चाहिए कि हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए। जो इस तरह के कुसंस्कार दिखाते हैं वे शिक्षक नहीं बच्चों के दुश्मन हैं। उनके इस बयान के बाद से राज्य के शिक्षक संघ उनके विरोध में आ गए हैं। इस पर भी वे एक दिन पहले अपने बयान से पीछे हटे तो दूसरे दिन आज फिर वही दोहराने लगे हैं। आज बारा में उन्होंने कहा कि हमारे परिवेश के अनुरूप कपड़े पहनकर नहीं आने से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो इसको गलत मानते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।